प्रतिबंधित पशुवध की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। पुलिस ने इस दौरान प्रतिबंधित पशु का वध किए जाने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। ग्रामीणों ने पहले तो हिरासत में लिए गए व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस और ग्रामीणों की तीखी नोकझोंक हो गई। इस दौरान लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव के चलते कई पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के गांव नगलिया अकिल में गौवैशीय पशु के वध की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस द्वारा इस दौरान एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। ग्रामीणों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की खबर गांव के जंगल की आग की तरह फैल गई, जिस पर ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर पुलिस को घेर लिया और जमकर पथराव किया। इस पत्थरबाजी की घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। तभी पुलिस ने अपने बचाव को लेकर जवाबी कार्रवाई करते हुए लोगों को वहां से खदेड़ने के लिए लाठियां भांजी। पुलिस की इस जवाबी कार्रवाई में कई ग्रामीण भी घायल हो गए। फिलहाल मौके की नजाकत को भांपते हुए गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। नवीन, क्या हुआ नगरी आगल में, क्या तोड़फोड़ हुई है कई घरों में? कई घरों में तोड़फोड़ ऐसे हुई, जानकारी उन्होंने ली नहीं सर, और अनाप शनाप घरों में घुस गए, तोड़ा फोड़ी करना शुरू कर दी। किसने? पुलिस वालों ने आके। और कोई ऐसा जहाँ कांड हुआ था मगर कहीं जहाँ भी घुस रहे थे मारा मारती, तोड़ा फोड़ती, औरतों के साथ बदतमीजी भी करी। क्या नाम है आपका? नसीम। क्या नाम है? नाम। क्या हुआ आपके घर में, किसने तोड़फोड़ की? पुलिस ने। क्यों तोड़फोड़ की? ऊपर देखो, दूसरे का घर में हुआ कुछ। अच्छा, इधर देखिए, हमारे यहाँ आके ये काम करो। क्या किया आपके घर में? पूरा तोड़ फोड़ कर दिया, बलात्कार करने को तैयार थे। गई थी, क्या कार्रवाई हुई? जी, इसमें यूपी 100 पर हमें सूचना मिली थी कि एक घर में थाना अजीम नगर में एक प्रतिबंधित पशु काटा जा रहा है, जिस पर कि पुलिस वहाँ मौके पर गई। मौके से हमने जो आपत्तिजनक वस्तुएं थी वो बरामद की और युवकों की गिरफ्तारी की, दो लोगों की। परंतु वहाँ पर उनके जो आसपास के परिवारजन थे और मोहल्लावासी थे, उनसे पुलिस की झड़प हुई और इसी में पुलिस ने प्रयास भी किया उन्हें पकड़ने का, परंतु वो मौके का फायदा उठाकर भाग गए। बाद में पुलिस ने वापस कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है गांव से। अभी और लोगों की गिरफ्तारी शेष है, उसमें हमारी टीमें प्रयासरत है, आगे जो भी विधिक कार्यवाही है वो की जा रही है। पुलिसकर्मी भी घायल हुए इसमें? जी हाँ, इसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, एक दो, और पुलिस की गाड़ी को भी कुछ नुकसान हुआ है। जो वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने कुछ मारपीट की थी पुलिसकर्मियों के साथ, जिसमें चोटिल हुए हैं। और इसमें विधिवत रूप से मुकदमा लिखा गया है पुलिस के कार्य में बाधा पहुँचाने का।